लुधियाना व्यू की ओर से इस वीडियो के माध्यम से आज की पीढ़ी को एक संदेश देने का प्रयास है, कृपया जरूर सुनें। एक बार एक बच्चे ने अपने दादाजी से पूछा कि वो अपने जमाने में बिना मोबाइल फोन्स, बिना कंप्यूटर के, बिना ड्रोन्स के कैसे रहा करते थे। इस पर उसके दादाजी ने कहा, ठीक वैसे ही जैसे आज की पीढ़ी रहती है, बिना इंसानियत के, बिना दया के, बिना किसी की परवाह किए। पर उनकी पीढ़ी सबसे अच्छी पीढ़ी थी। तो बच्चे ने पूछा, वो कैसे? दादाजी ने समझाते हुए कहा कि जब वे साइकिल चलाते थे तो कभी हेलमेट नहीं पहनते थे, जरूरत ही नहीं पड़ती थी। स्कूल का काम खत्म कर मैदान में खेलने जाते थे, और सबसे अच्छी बात कि उनके दोस्त सच्चे दोस्त थे, सुख दुख में काम आने वाले। आज की पीढ़ी जैसे नहीं कि इंटरनेट पर दोस्ती की और वहीं खत्म भी कर दी। और तो और, वे अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाते पीते थे, पर कभी बीमार नहीं पड़ते थे। घर का खाना खाते थे और कभी मोटे भी नहीं होते थे। नंगे पांव चलने से उन्हें कभी कोई परेशानी या बीमारी नहीं हुई थी। अपने हाथों से खिलौने बनाकर वे मिलकर खेला करते थे। उनका परिवार अमीर नहीं था, पर वे एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते थे। दादाजी ने कहा कि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे डीवीडी और प्लेस्टेशन तो नहीं थे, पर दोस्त थे, सच्चे दोस्त। वे उनके घर बिन बुलाए जाया करते थे और खूब मस्ती करते थे। दादाजी ने बताया कि उनके समय में फोटोज ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी, पर उन फोटो से जुड़ी रंगीन यादें उन्हें आज भी गुदगुदाती है। दादाजी ने कहा कि उनकी पीढ़ी वो आखिरी पीढ़ी है जिन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, और पहली पीढ़ी भी है जो अपने बच्चों की भी बातें सुन रही है। दोस्तों, इस कहानी को कहने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आज की पीढ़ी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर जितना ध्यान देती है, यदि वे अपने माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, अड़ोस पड़ोस एवं दोस्तों जैसे जीवित रिश्तों पर ध्यान दें, तो उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। धन्यवाद।